लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शायद में जनाब अफजल मंडोवी तन्हा अब तक शायद है जिन्होंने तरलुम से अपना कलाम पढ़ा। इसे मैं जरूर महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसे शायर का इंतखाब किया जाए जो तर्क के साथ साथ तरलुम से भी आपको नवाजते तो बहुत अच्छा होगा। हम महाराष्ट्र की सरजमीन और वो शहर जो रुसुलबला कहलाता है, हमारे तमाम शहरों की दुल्हन जिसको कहा जाता है, वो शहर बम्बई, बम्बई की भागती दौड़ती जिंदगी, और वहाँ से एक शायर आपका गाया है जो न सिर्फ एक शायर है, हसास शायर है, बल्कि साहब की दुनिया में उनका बड़ा रोशन नाम है। उर्दू टाइम्स जैसे अखबार से वाबस्ता है, बजाय कब से इनकलाब और उर्दू टाइम्स जैसे मोतबर अखबारों से उनकी वाबस्तगी रही है। गजल के हवाले से भी जनाब नदीम सिद्दीकी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं बहुत मोहब्बतों के साथ जनाब नदीम सिद्दीकी से इल्तमास करता हूँ उनको तशरीफ लाएं और अपने कुछ अशआर तहत और कुछ शेर तरन्नुम से खास तौर पर सुना कर एक दूसरा माहौल हमारे मुशायरे को अता करें ताकि ताजगी का नया नई ताजगी का एहसास हमारे सामने हो जाए। और उसके बाद मैं अपने शायर की गुजारिश करूँ। माइक पर है मोहतरम नदीम सिद्दीकी। एक बड़ी अहम बात इस मुशायरे में ये हुई कि एक ऐसी किताब का इजरा हुआ जिसमें इंसानी जिंदगी के तीन दौर ऐसे हैं कि उसके बगैर जिंदगी नहीं बनती। ये वो किताब वो तीन ही इंसान का माजी, इंसान का हाल और इंसान का मुस्तकबिल। इस हवाले से मैं यहाँ जिस वक्त किताब का इजरा हो रहा था, मैं तैयार दुनिया के वालिद से मिला नहीं हूँ लेकिन बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं मुशायरे का आगाज मेरा गौर कीजिए, उस मुशायरे का आगाज शाह साहब बिलाल क्या कहते हैं फियाज के वालिद मजमून की तीसरी नस्ल भी उनके दर उनकी शायरी उनके दरवाजे पर दस्तक दे। कितनी खुशी की बात है हमारे लिए। मैं हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है किताब का इजरा हुआ फूलों से बारिश, हमारे यहाँ तो रिवायती कुछ और है। मैं गजल के चंद शेर कुछ नए शेर कहे हैं अगर आप लोग अल्लाह जिंदा दिलाने पंजाब मुलाकात फरमाए। मथा के अजीब था तो किसी ने कभी ना कोशिश की, तो चाहूंगा कि अजीब था फूलों की सबने बारिश की, हवाएं पूछ रही हैं बड़ी शराफत से, हवाएं पूछ रही हैं बड़ी शराफत से, चला खुद ही बुझे या किसी ने साजिश की, हवाएं पूछ रही हैं बड़ी शराफत से, चला खुद ही बुझे या किसी ने साजिश की, और बगोले बगोले बन के उड़ोगे तमाम सहरा में, चाहूंगा कि बगोले बगोले बन के उड़ोगे तमाम सहरा में, ख्यालों ख्वाब में तुमने कभी तो लफ्ज़िश की, बगोले बन के उड़ोगे तमाम सहरा में, ख्यालों ख्वाब में तुमने कभी तो साजिश की, कि तेरे ये तेरे तवज्जो चाहूंगा गुरुवार ये कि तेरे वो कर्म पर यकीन रखता था, ये तेरे क्या बात है इरशाद इरशाद। मैं रो रहा था मैं रो रहा था मैं रो रहा था अचानक हजार दिया मुझको अजीब तरह से अपने उस दिन साजिश की और किसी की उस अतः कुदरत नजर में खड़ी की थी, किसी की उस अतः कुदरत किसी की उस अतः कुदरत नजर में खटकी थी, जमीन पूछी बैठा कि तुमने कोशिश की, किसी की उस अतः किसी की उस अतः कुदरत नजर में खटकी थी, जमीन पूछी बैठा
कमीर उसी प्रकार उन्होंने कोशिश की बहुत अच्छे शेर सुनाए हमारे दादा दुनिया ने शेर सुने के अदब में अदब के हश में पंडित तो वजह बख्शिश है अपने तमाशाई हूँ
इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया सूफी फाउंडेशन इंडिया ने और इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में फैज अहमद फैज लिटरेरी फाउंडेशन ने भी अपना अहम रोल अदा किया। हम शुक्रगुजार हैं जनाब एम फैयाज फारूकी साहब के जो DIG लुधियाना रेंज हैं, साथ ही एक खूबसूरत शायर भी हैं और गहरी सोच और फिक्र रखने वाले एक राइटर भी हैं। इस मुशायरे में जनाब फैयाज फारूकी साहब की किताब वो 3 दिन जो पुलिस की जिंदगी पर है, इस किताब का इजरा भी हुआ। वो 3 दिन में फैयाज फारूकी साहब ने पुलिस वालों की जिंदगी पर अपनी कलम चलाई है, जिसे आप जरूर पढ़ें। साथ ही हम शुक्रगुजार हैं जनाब रिताज मैनी साहब के, जिनकी बदौलत हम आप तक इस प्रोग्राम को, इस मुशायरे को लेकर आने में कामयाब रहे। इस मुशायरे के चीफ गेस्ट रहे जनाब सुमेद सिंह साहब जो DGP पंजाब पुलिस हैं। प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक जो लीडर है सोशल नेटवर्किंग का, आज ही अपने मोबाइल में रॉकी टॉक के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। देश और दुनिया में कहीं से भी लाइव मुशायरे देखिए, साथ ही कुछ और खास इवेंट अपने घर बैठे देखिए मोबाइल पर रॉकी टॉक पर लाइव। जी हाँ, रॉकी टॉक को डाउनलोड कर आप नए लोगों से मिल सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, साथ ही वॉइस पिक्चर वीडियो के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर लाखों कम्युनिटीज हैं, हर महीने कोई खास कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा ले सकते हैं और भी बहुत कुछ। आज ही डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक अपने मोबाइल में और बदल लीजिए अपनी दुनिया।